लोकसभा में कार्यवाही का छठा दिन आज संसद में भारी हंगामे की संभावना। पिछले सप्ताह कार्यवाही के दौरान परीक्षा पर हुआ था हंगामा, सोमवार तक के लिए स्थगित की गई थी कार्यवाही। आज से फिर शुरू होगी संसद की कार्यवाही। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। विधानसभा में तैयारियां पूरी, सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा, सरकार भी जवाब देने को तैयार। आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू, कामकाज में आएगा बड़ा बदलाव। आईपीसी की तरह जगह लेगा भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा लागू। आज से लागू होने वाले 3 आपराधिक कानूनों के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी बढ़ी, लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए पोस्टर्स। किसान सम्मान निधि बढ़ाने को लेकर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, संकल्प पत्र में हमारी सरकार ने किसानों से किया था वादा, 65 लाख किसानों को 1000 रुपए की पहली किश्त के 650 करोड़ रुपए किए गए जारी। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की बात, लोकसभा की कार्यवाही पर भी की चर्चा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के लिए की समीक्षा बैठक, सभी व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना का होगा कायाकल्प, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल। भजनलाल शर्मा ने कहा इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। आईपीसी और सीआरपीसी नियम बदलने को लेकर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आज मध्य प्रदेश समेत पूरे देश के लिए एक विशेष दिन, ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए फायदेमंद। सीएम विष्णुदेव साय शिक्षा विभाग की लेंगे बैठक, बैठक से पहले नवीन कानून के संबंध में कंपेडियम का करेंगे विमोचन। हेमंत सोरेन के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार, कहा आदिवासी समाज का अपमान न करें, देश भर में जिस तरह से भाजपा सक्षम आदिवासी नेतृत्व दे रही है ऐसा इससे पहले कभी नहीं था। डिप्टी सीएम अरुण साव आज मुंगेली जिले का करेंगे दौरा, नवीन आपराधिक कानूनों के विषय में जागरूकता कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को मिलेगी महतारी वंदन योजना की राशि, सीएम विष्णुदेव साय जारी करेंगे राशि, 5वीं किश्त के तहत 653 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। मथुरा के कृष्णा विहार के में बारिश के दौरान पानी की टंकी गिरने से 2 महिलाओं की मौत, कई घायल, आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने कहा बारिश के दौरान पानी की टंकी गिर गई, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कांग्रेस पर हमला, बोले पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया कांग्रेस 60 सालों में वैसा काम नहीं कर पाई, पहले भारत की कोई सुनता नहीं था लेकिन अब भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओलंपिक के लिए इंडिया टीम की पोशाक और खेल किट लॉन्च में लिया हिस्सा, कार्यक्रम में बोले जब एथलीट ओलंपिक के लिए जाते हैं तो ये उनके लिए गर्व का क्षण है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भारतीय दल के औपचारिक ड्रेस और खेल किट की लॉन्च, पीटी उषा ने कहा मुझे उम्मीद है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आईएएस निकुंज बिहारी धल बने ओडिशा के नए मुख्य सचिव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में आईएएस निकुंज बिहारी को किया गया नियुक्त। पुणे के लोनावला में भूसी बांध के पास हुआ बड़ा हादसा, झरने में बही एक महिला और 4 बच्चे डूबने की घटना से प्रशासन अलर्ट, पुणे पुलिस ने कहा शव बरामद किया, टूरिस्ट प्लेस पर रोक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जन दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड के खरखरी में भारी बारिश से तबाही, मूसलाधार बारिश से नदी में आई बाढ़, कई वाहन पानी में बहे, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गुजरात में मूसलाधार बारिश का कहर, अहमदाबाद शहर के शीला इलाके में तेज बारिश के कारण ढह गई सड़क, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही कार का एक्सीडेंट, 2 की हालत गंभीर, पहले दिन 14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। कबीरधाम में लाउड स्पीकरों को लेकर जारी नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, लाउड स्पीकरों के उपयोग से लोगों को हो रही परेशानी, लोगों की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को दिया बड़ा तोहफा, पूरी टीम को 125 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने का ऐलान, वर्ल्ड चैंपियन बनने पर आईसीसी ने दिया 20.36 करोड़ रुपए की नामी राशि। नीट यूजी एग्जाम के पैटर्न में हो सकता है बदलाव, जेई मेंस एग्जाम की तर्ज पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम में लिए प्रस्ताव भेजा गया, नेशनल मेडिकल कमीशन लेगा फैसला।
जेडीयू की बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा ये मांग हम लोगों की रही है, हम खुद इसके पक्षधर हैं, ये दबाव की राजनीति नहीं है। सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह है, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। उमंग सिंगार नर्सिंग घोटाले पर लगातार हमलावर, अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तथ्य खोज लिए गए हैं, घोटाले की सारी परतें खोलूंगा। ब्रजमोहन अग्रवाल के मॉब लिंचिंग वाले बयान पर बोले दीपक बैस, सरकार ठीक ठाक नहीं चल रही, अपराध पर लगाम नहीं है, आरंग की घटना हत्या है। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर दिया बयान, कहा बस्तर और कांकेर में लोकसभा चुनाव की हार की होनी है समीक्षा, जिसमें हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। युवा कांग्रेस ने परीक्षा घोटालों पर खोला मोर्चा, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 जुलाई को अनशन पर बैठेंगे, नर्सिंग समेत अन्य परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का करेंगे विरोध। कांग्रेस की हार पर मंथन में सीनियर नेता शामिल नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय बैठक में नहीं पहुंचे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कहा हार की बीमारी का कारण पकड़ में आ चुका है, 2 दिनों से लगातार चल रही है हमारी बैठक। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के बयान पर बोले हमारी सरकार नीट या किसी भी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कर रही है काम। भोपाल एयरपोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पिछले 6 महीने में 4थी बार मिली एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी, धमकी के बाद बम स्क्वाड दल ने की एयरपोर्ट की जांच, जांच के बाद बम की खबर निकली अफवाह। लाखों बच्चों का बिना ड्रेस स्कूल में हुआ दाखिला, 390 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली यूनिफॉर्म, राज्य शिक्षा केंद्र ने देरी से राशि ट्रांसफर की बताई वजह। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नर्सिंग घोटाले को लेकर होगा सत्याग्रह, 24 घंटे सत्याग्रह आंदोलन पर बैठेगी यूथ कांग्रेस। जिला अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजन ने किया हंगामा, तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। छत्तीसगढ़ में आज से 3 जुलाई तक नहीं मिलेगा राशन, राशन दुकान 3 दिन रहेंगी बंद, 3 दिनों तक चलेगा डेटाबेस शिफ्टिंग का काम। बरसात के मौसम में भेड़ाघाट हुआ गुलजार, पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सुविधाओं में की गई कटौती, दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक दिखे निराश। जबलपुर में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों में जलभराव से लोग परेशान, अधिकारियों की तैयारियों की खुली खोल। उज्जैन में सावन की तैयारियां तेज, कलेक्टर और एसपी ने प्रशासनिक अमले ने सवारी मार्ग का भ्रमण किया, सभा मंडप में की जाने वाली व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। राजनांदगांव जिले के राज कॉस्मोस का अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ चयन, अनोखे शोध कार्यक्रम के वर्कशॉप के लिए बुलाया गया, इसके लिए मिली 100% स्कॉलरशिप। हरिद्वार में मॉनसून बरपा रहा कहर, गंगा नदी में बही 6 गाड़ियां, एसटीआरएफ ने निकाला बाहर। बिहार का ठग बालोद पुलिस के हत्थे चढ़ा, आरोपी ने की थी 24,92,000 रुपए की ठगी, साइबर सेल और दल्ली राजहरा पुलिस टीम ने की कार्रवाई। इंदौर में बाइक सवारों ने बीआरटीएस में जमकर मचाया हुड़दंग, महिलाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाया निशाना, विरोध करने वाले लोगों से गाली गलौज भी की, पुलिस अमला बेखबर। पन्ना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गांजा 1 क्विंटल 7 किलो गांजा समेत 2 आरोपी और 1 नाबालिग गिरफ्तार, मुखबिर सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुरैना की दिमनी नदी में मर रही हैं मछलियां, प्रदूषण बोर्ड की टीम ने नदी नाले जल शोधन यंत्र के लिए से लिए पानी के सैंपल, जांच के बाद पता चलेगा असल कारण। सूरजपुर में व्यवसायी के घर हमला करने वालों पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पति से आए दिन विवाद के बाद पत्नी ने रची थी साजिश। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति से बिरवाही बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गेहूं, गोदाम पहुंचने के पहले ही हुआ गायब, कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम बनाकर दिए जांच के आदेश। बलरामपुर में मेडिकल दुकान संचालक पर गंभीर आरोप, 55 साल की महिला की मेडिकल दुकान में ही कर दी गई सर्जरी, सर्जरी के बाद महिला की हालत गंभीर। मुरैना में छात्रों ने कलेक्टर बंगले का किया घेराव, हॉस्टल के जर्जर भवन की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, समझाइश के बाद छात्र लौटे हॉस्टल।
विधायक राजेश मूणत रायपुर के करबला तालाब पहुंचे। तालाब के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने नगर निगम के अधिकारियों को भी दिए गए निर्देश। पन्ना के कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाकर किया स्वागत। ऐतिहासिक जीत के लिए जताया आभार। अंबिकापुर में नाले में छिपे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त फरार हुआ था आरोपी। एनडीपीएस केस का है आरोपी। देवांगन समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम अरुण साव। कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर कसा तंज। कहा विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद की जा रही है समीक्षा का ठीकरा। कांग्रेस पार्टी आखिर किस पर फोड़ेगी। सहकारिता के आगामी चुनाव को लेकर हुई बैठक। अरुण यादव बोले 10 सालों से ज्यादा हो चुके तब से सरकार ने सहकारिता के चुनाव नहीं कराए। 7 जुलाई को लेकर सहकारिता की प्रदेश स्तरीय बैठक की जाएगी। राजनांदगांव दिग्विजय स्टेडियम में हुआ गड्ढा। भ्रष्टाचार के गड्ढे की खुली पोल। जानकारी मिलते ही आनंद फानंद में गड्ढे को भरा गया। करोड़ों की लागत से बना था स्टेडियम। पन्ना नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर बाइक सड़क किनारे घुसी। एक की मौत एक घायल। इलाज जारी। मुरैना में जर्जर छात्रावास के भवन में सुरक्षित नहीं है छात्र। सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर के बंगले का किया घेराव। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से छात्रावास छत से टपक रहा पानी। अलीराजपुर में शुरू हुआ प्री मानसून का दौर। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश का नजारा देखने को मिला। मौसम विभाग से भी अलीराजपुर में बारिश का अलर्ट जारी। कवर्धा में अवैध रूप से मवेशियों को पिकअप वाहन में ठूस ठूस कर भरकर कत्ल खाना ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दामापुर चौकी पुलिस की कार्यवाही। कांकेर में 40 दिन बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जे की नींव पर खड़े राइस मिल में नहीं हुई कार्रवाई। आदिवासी नाबालिग युवती से हुआ था राइस मिल में दुष्कर्म। दुष्कर्म कांड के बाद जांच में अवैध कब्जे में राइस मिल खड़े करने का मामला आया था सामने। एमसीबी जिले में गुणवत्ताहीन पुलिया का किया निर्माण। चंद महीने में ही पुलिया में आने लगी दरारें। ग्राम पंचायत बंजारी का मामला। जबलपुर में तेज बारिश के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में भरा पानी। बीती रात हुई बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। रायगढ़ जिले के जुनवानी में बीती रात जंगली हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। 2 ग्रामीणों के घर पर किया हमला। दहशत में है ग्रामीण। उज्जैन में कलेक्टर और एसपी ने प्रशासनिक अमले के साथ भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादो मास में निकलने वाली सवारी की पूर्व तैयारी के लिए सवारी मार्ग का किया भ्रमण। सभा मंडप में की जाने वाली व्यवस्थाओं का लिया जायजा। देवास के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजन ने जिला अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। कहा मरीज को ब्लड की कमी थी लेकिन उसे सही इलाज नहीं मिला। मुनाली ठाकुर के साथ कॉन्सर्ट में बदसलूक के ऑडियंस में बैठे शख्स पर लगाए प्राइवेट पार्ट पर कमेंट करने के आरोप। सिंगर ने शो रोककर सरेआम फटकार लगाई। फरीदा जलाल ने सुनाया फिल्म आराधना का किस्सा। बोली रोमांटिक गाने की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर ने लगा दी थी टांट। बिग बॉस ओटीटी 3 में भावुक हुए रणवीर शौर्य। ब्रेकअप के समय पूजा भट्ट ने लगाए थे नशे में मारपीट करने के आरोप। एक्टर बोले निकल नहीं पा रहा। ज्योतिषी की बात मान एक्टिंग में आई पंचायत की रिंकी। इंडस्ट्री में आने के बाद बदला नाम। अनुष्का की फिल्म देख प्रभावित थी सान्विका। एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे लापता लेडीज फेम एक्ट्रेस स्पर्श। बोले मैं और प्रतिभा रांटा सिर्फ अच्छे दोस्त। पिछले 3 साल से हूं सिंगल। कल्कि में कैमियो करने पर बोले कमल हसन मुझे दूसरे पार्ट में बहुत कुछ करना है। फिल्म में मेरा असली हिस्सा भी शुरू हुआ। पलक तिवारी ने सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। यूजर्स बोले इब्राहिम अली ने खींची है तस्वीरें। पटौदी पैलेस की छत का है बैकग्राउंड। बारिश का मजा लेने अनुपम खेर ने की ऑटो की सवारी। वीडियो शेयर कर दिखाया मुंबई का नजारा। अस्पताल में एडमिट शत्रुघ्न सिन्हा बेटे लव ने किया कंफर्म। मिलने पहुंचे थे सोनाक्षी जहीर। कैंसर से जूझ रही हिना खान को सर्वाइवर एक्ट्रेस छवि ने दी सलाह। बताया मुश्किल हालात में क्या है सबसे जरूरी। रूस अमेरिका के बीच टूटा 36 साल पुराना करार। पुतिन के आदेश पर फिर बनेंगी खतरनाक मिसाइलें। अमेरिका ने 2019 में रूस पर संधि का पालन नहीं करने का लगाया था आरोप। ट्रंप के साथ डिबेट के बाद बोले बाइडेन। बाइडेन ने कहा मेरा इरादा नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को हराने का। डिबेट में कमजोर प्रदर्शन करने के बावजूद वो दौड़ से बाहर होने पर विचार करेंगे।